बोलो बोल तो बोलो लल्ला के नाटे से भरी पंचायत में 2000 2100 200 मैं तो वही डिठा रहा था मैं फिर निकी एक हमारा गांव का मुखिया बोल रहा था मैं क्या अलग की बात कही होगी ओ नाम तो के लियो वो कुण बाधा बड़ा और उनका ब्यो था थोड़ा मानस थे घने एक वो पहलवान नहीं करता उन्हें खोची यार सारे कुण बिना काम पा जाए ऐसा धंधा ठा जो समाज में इज्जत हो जा उन अटपट कर करनी उन उन तो पीछे जोड़ के पट्ठा ला दिया कि कुण बा पाए पर गंठा फोड़ के खानिया खेत में जमा खेत को पट रहन लिख रहा उन सोचा इनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी एक मिनट उनके दोड़े कुर्ते पजामे क्षमा दिए सारे कुण पे गिर अपना काका एक बड़ा भाई था वे भट्ठे छोड़ दिए निबला काका तन्ने और इस भाई ने अड़े भट्ठे के अड़े दफ्तर पर रहना था यो चौकीदार से धरा हुक्का भरेगा दोनों रंडे ब्याह हो नहीं रहा उन सोचे ले सारे अन लपेट दूंगा रोजगार सा हो जाएगा तो दोड़े पर आकर दफ्तर में बैठा दिए वो जब भी मौका ला दूंगा काका तो चले जा कुमार आड़े उसमें छप्पर में और उनका भाई जा उड़ा बिहारियाँ आड़े छप्पर मर पहलवान आओ देखो कि बेटिए खड़े गए फिर वो बताओ बोले वो तोड़ जा रहा था वो उड़ा उन्हें फिर काट लिया वो फिर ने शर्मा लो बस लो अड़े दफ्तर पर बैठो थरी अड़े ड्यूटी है फिर बैठा जाओ बेचारा फिर कि धन्य उन्हें अपनी लेबर लेबर जोड़ो और काम जोड़ो आओ इतना फिर कदे वो भाई पाव कुमारा में वो पाउड़ा लेबर में पथेरिया में एक दिन बैठा कर दोनों अग लग गया मारना और गांव के थे निबले रे क्यों मारे है निबले आराम खोरान ठेकेदार बनाऊं ले परम बड़म भाज भाज ले परम बड़े ठेकेदार ना बने जाता मतलब ठेकेदार बनाऊं था ले परम क्यों बड़ो 200 रुपए आके मतलब होया मैं ठेकेदार बनाऊं ले परम बड़म भाज भाज ए मेरे यार ऐसे कर रे अल्लाह उठ का पन से कम वो मटका बनाने एक छोटी बात याद आ गई वो एक बार पंजाब में बरात जानी बड़ा चाचड़िया बुढ़िया का भी छोटे छोटे बालक भी वो पंजाब देख के आओगे ब्याह की तारीख आ गई बस में बैठ के पंजाब की तरफ चल पड़े सूती सा बैठा लेट हो गए अगले छो मागे कई पैसा सूत बैठ जाए डीजल की जगह पेट्रोल गल जाए हमारा साथ बन गई आज मुकेश भाई डुटियाला का प्रोग्राम था मैंने 10 बजे पूछना था प्रोग्राम में 1 बजे पूछा डीजल की जगह पेट्रोल निकल गया गाड़ी में बड़ी समस्या हुई नए वपराज लेट होगी पंजाब में अगले सरदार जी छो मानगे छो ईसा मानगे जो अपराज की बस पहुंची इतना भोजन पैक कर दिया उनका दो दो लाडू एक एक समोसा बस मत उतरन लागे ने बोला उतरो ना उल्टे बैठ जाओ दो दो लाडू एक एक समोसा पकड़ा के उल्टे बस में पैक कर दिए 5-4 जने रख लिए मौजूद बस उल्टी हटा दी बुढ़े सोच अच्छी बनी भाई सोचा था नहीं पंजाब देख के आवेंगे बालक भी शायद बड़ा जुलम होया उल्टे चल पड़े ड्राइवर ने खेच दी बस खतरम खेच घड़िया दूर आ लिए रोड के साथ में एक नदी भी चल रही उसका पानी का बहाव भी बड़ा तेज जाल लग गए पानी की वो एक बुढ़ा ने बोला बालक भी है साथ में एक बड़ा चले बस नहीं वापस रोक दी नदी के सारे पिशाब पानी करने खातर उतर गए वो एक छोटा छोरा था उनमें वो आप कताबे की आंगली पकड़ के बोला दादा एक बात देख मैं के देखू मैं देख नदी कितनी तेज भाज रही है मिला के कह है कि देख नदी का पानी कितना तेज भाज रहा है निमला छोरी चौधरी अपराध कम तेज भाज रही है सब कह अपनी अपनी खटक हो है कोई भी हो चाहे यार इंसान की एक अपनी खटक पाओगी वो कृषि मंत्री भाषण दे आर स्टेज पे बड़े जोर तरुक के मारे के भाई अब की बार रिकॉर्ड टूट गया अपने देश में 10 लाख मीट्रिक टन चावल पैदा हुआ है देश में चावल
दस लाख मीट्रिक टन इवो श्यामी एक रांडा बैठा बेचारा वो हाथ खड़ा करके न बोला मंत्री जी मेरी भी सुनोगे न बोले हाँ भाई तू सुना दे न बोला मंत्री जी चाहे कितना है चावल पैदा हो जाओ इस दुनिया में ऐसा कोई और आमखोर नहीं जो मारा माथा पर चार दाने धर दे मारे किस काम का यो चावल सबकी अपनी अपनी खटक है अरे भाई तू डट जा मेरे एक बार चल जाएगा उड़े सारे साग सब्जी भी बेक थी उड़े ये पक्षी पुक्षी बेक थे को हजार का को 500 का 600 को 700 800 का एक तोता टंग रहा उस पर कीमत लिख रहा कि 25,000 है वो घुमा के निबला रही हो ईसा सेठ जी की साख तोता 25,000 का निबला इसने तीन भाषा कौन सी बोले अंग्रेजी हिंदी हरियाणवी अंग्रेजी बुझ लू ने बोला हेलो तो बोला हेलो बोला हु आर यू बोला आई एम पैरट होगा चोर पार्टी आगे फिर तोता बोल पड़े अंग्रेजी में फिर सोचा अरे तो लेन का है फिर सोचा हिंदी में बुझ लू बोला हेलो भाई साहब आपका आप कौन हो बोला मैं तोता हूँ उन्होंने रुपये नहीं बोला रुपये गिनो तोता लेने का नहीं बोला 30 करोड़ ही जोर दे जाए जब दिमाग पलट जाए नहीं सोचा लिया हरियाणवी और बूझ लू जाक नहीं बोला रहा तू कौन है तोता ने तेरी माँ का लोग दो बता ली समझ में नहीं आई वो सादा टेम था मुकेश भाई हाँ भले वक्ता की बात से भले वक्ता का जिक्र चल जा रहे नाज का लड़ा तो चल रहे नाज का लड़ा तो फोन पर जिब भी आ जाए चेन्नई की खबर तो आज हाँ जी भी फिलहाल चल रही है हाँ चलेगी वा को दिन चलेगी वा हाँ खूब दौड़ेगी रे चलो वो रण दे इतनी बात ना कर सादा टेम था वो फेरे फेरे हो लिए छोरी के विदा कर दी छोरी का बापू घना सादा था छोरा ने बोला जी सारा काम ठीक ठाक हो गया भलाई इजाजत दे दो इजाजत का नाम लेंदे वो तो एकदम घबरा गया भला भाई ये तो करड़ा काम मांग लिया इसने ये तो समान में बिना लिखवाया बड़ा जुलम होया भाई बेरा ने केस होता है यो सादा मानस था बोला जी आप बैठो बाज के सरपंच धोरा गया सरपंच साहब दो तीन रुक के मारे सरपंच निंदा में धाऊंगा मुठिया बोला बोल भाई रामपड़ के कहता बोला कहूं के था सरपंच साहब बोला सारा काम ठीक ठाक निपट गया सुधरा छोरा का पिताजी ने बोला इजाजत दे दो बहुत बड़ा समान में भी ना लिखवाई सरपंच साहब आप धो रहे तो दे दो बजीम दे जाग दे रहे तो आपकी दे देंगे सोच गया सरपंच भी सादा मानस बोला चल भाई मैं आऊं एक बार भीतर न बढ़िया कोटी पैरी कोटी में हाथ दे कर जेब में पीछे पीछे हो लिया वो जान दे उसने चौधरी साहब दे बोले हाँ जी चौधरी साहब सारा काम ठीक ठाक निपट गया बोला जी बहुत बढ़िया बोला किसी बात की कोई कसर बोला कोई कसर नहीं बोला जी काट गए दोनों हाथ बोला जी इजाजत है नू कर दे अपनी अपनी गाड़ी पकड़ के छोरी विदा कर दी सरपंच साहब ने बोला ठीक है भाई न्यू कह के लेकर गया सारा कुणबा बैठ गया चाह बना लियो का भर लिया छोरी आला बाबू ने बोला एक बात तो है भाई की है बोला इजाजत सरपंच तो रवि ना थी हाथ जोड़ के पंडा छुटवा मेरे यार मड़ा उरे ध्यान करो तुम क्या करो सो मेरा नहीं के रोली ही करो सो एक और ना मुंह फेर फेर क्या मन क्या मेरी बात से है इतनी तो मैं समझ गया बात तो क्या मन क्या मेरी है पैदा हो सनी जब जमा भी तरले कोठे में सुरक्षित जगह और लोग की बेल गेर देंगे राग बाढ़ देंगे को दो रोजा जब पिलते झाड़ के जा फिर जो जो उम्र बढ़े है सब सुबारे सुबारे मागा खेल के जो जो बुढ़ापा हो जमा बार बैठक में हूँ बैठक तक एक नाली सर फिर गाले है और कुछ नहीं है जमा बार आ गए
अरे नया फैशन चल रहा है, बैठक बूढ़े की बराबर मर बराबर का गैलरी कुणबा गैलरी माँ का लकड़ बड़े बूढ़े कहने कोई नहीं लखा हुआ है। पन्निया की करड़ करड़ सुना बूढ़े न्यू बेरा पन्नी में माल के गया था कुछ नहीं मतलब सूता भी तिर माल बूढ़ा एक लाए बैठा रहे अरवा सकरा थ्यूगी पोती आ रही थ्यूगी हलवा बना रखा होगी मानवा ने बोली ये माल्या सकरा क्षमता दान राम राम भी कर आऊंगी अरे यो हलवा भी दी आऊंगी। हाँ बेटी बोली जावा लेगी कटोरे में हलवा बूढ़े धो रखे को जा था सकरात का जन धुंध पड़ रही जाडा पड़ रुन जा कटोरा साथल पदर दिया नेवा नेवा ला गया बुढे गन अर फिर अच्छा लागे नि बोले ए कौन सी सेवा नि बोली मैं थी दादा नानी बोले ए नानी जिंदी रहो बनी रहो बेटी अर के ले आई है हलवा उन गोला बना के खा जाडा था नेवा नेवा मीठा स्वाद लग गया आसन लग गया बूढ़ा ने बोले ए नानी के स्वाद हलवा हलवा बना रखा नानी के आ रहा है एक जमींदार बैलगाड़ी ले जान लाग रहा और सेठ उसका छोरा दुकान पर बैठे और गाड़ी के गल एक खूंडो है ओ उलाड़ उदबाऊ करण का हो गाड़ी ने जमींदार इस बात को जानते होंगे रो आप भी जानते हो वो गल गल के छड़िया करे वो गाड़ी के नीचे लाग रहे उलाड़ू दबाव करण का हो लाला जी बार रहा करता छोरा भी सेठ भी लेकिन सेठ ने ज्ञान था छोरा बाहर विदेश में रहा करता वह गाड़ी आगे गाड़ी नजदीक आई बैल गाड़ी वो छोरा बोले बाबू बोले हाँ बेटा बोले यो क्या है के है यो बाबू के जावस है बता बाबू के जावस यो बोले भाई ये बैल गाड़ी है जमींदार है ये अन पैदा करता है धरती का सीना चीर के ने अच्छा बाबू अच्छा बहुत बढ़िया अच्छा अन ये पैदा करया करके बाबू बोले हाँ गेहूं जैसे हम अन्न है हम रोटी खाते हैं तो किसान अन्न पैदा करता है बोला ठीक वो आ गई गाड़ी जा लियो ओ लड़वा के छड़दा जा ले बाबू यो पीछे पीछे के छड़े है बोला यह भी हंड फिर के गाड़ी हो जाएगी। एक साधा मानस था दारू पी के बहू को मार दिए बहू पढ़ी लिखी फिर वह सरकारी था हमरे याद मन माफ करियो उनकी बहू पढ़ी लिखी थी और दारू पी के उसने घर जागा टेबटे हम रोटी मांगी ओनली ढेर दारू पी रहा चार मारे दड़ा के पढ़ी लिखी थी उन्होंने फोन में ला दिया। अब महिला हेल्पलाइन पर काउं काउं करती पुलिस आ गई सूचते गए मारे चार पॉइंट वो उठा के हम नशे में था चुकुर तो लखा मेरे खाखी उड़ दिया घड़ी निबला ऐसे तो साहब के बात निबला के बात सजा बनेगी महिला सता दी कानून तोड़ दिया सजा बनेगी क्यों मारे दारू पियरा आधा आसन ला गया निबला ऐसे तो साहब मन तो अपनी करके मारे थे मन नहीं जबरा या भी सरकारी हम मारते हैं पुलिस आओगी